बीटा गामा फंक्शन से रिलेटेड आज एक हम क्वेश्चन चली करते हैं। सो ये आप क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन में क्या है आपके पास प्रूफ। ये दो क्वेश्चन है और दोनों अब भले ये दिखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा होगा, राइट? मैं मानता हूँ मुझे भी डर लग रहा है देख के भाई, मैं डर गया बिल्कुल। एक चीज सॉरी, आज मैं आपको मेरा शकल नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अभी यहाँ पे लाइट नहीं है और मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो चलिए, बाकी कोई ना, अगर लाइट आता है तो मैं अपना कैमरा ऑन कर लूंगा, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 2m-1θ, राइट? ये हमारे पास है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं cos 2n-1θ, ये गामा यम डिवाइडेड बाई 2 γ m+n, ये चीज है। अब दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि अगर हम सेम इसी तरीके से इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin p θ cos q थीटा d थीटा कर लेते हैं तो ये हमारे पास होना चाहिए। और पी क्यू का है रियल नंबर है और एच ग्रेटर देन 1 है, तो जब ये 1 है के ग्रेटर देन है और पी क्यू रियल नंबर है तब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए सॉल्व करते हैं और आप भी मेरे साथ अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन, और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमें बीटा गामा फंक्शन का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो ये हमारे पास बीटा फंक्शन था और इसका मैंने फॉर्मूला बताया था कि ये गामा यम डिवाइडेड बाय गामा यम प्लस यम। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये हो गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है? इसके अलावा आपको यहाँ पे यूज होगा, क्या होगा, बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to 0 to क्या था, 0 to π/2 था, sin 2m-1θ cos 2m-1θ d थीटा, एक हमारे पास ये था फॉर्मूला। तो अभी हम इन दोनों फॉर्मूला को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला अगर आप देख रहे होगे तो ये सेम फॉर्मूला है, क्या है, सेम फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे क्या करो, तो पहले फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि इजी है बट थोड़ा सा देखना, पहले फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है? तो पहले फॉर्मूला और दूसरे फॉर्मूला को दोनों को एक साथ यूज करना है, ध्यान से सुनना। पहले फॉर्मूला, अभी हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व, मतलब दोनों को क्या करना है, एक साथ हमें लेना है। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास बीटा एम एन है ना, ये जो बीटा एम एन है, हम इसमें इसका वैल्यू रख सकते हैं, इस वैल्यू को इसके जगह पे रख सकते हैं। या फिर आप ऐसे बोलो कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का आरएचएस अगर इक्वल है, आरएचएस अगर इक्वल है तो एलएचएस भी, एलएचएस भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए। तो जब ये इक्वल होना चाहिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, गामा यम डिवाइडेड बाय गामा यम प्लस यन इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin^(2m-1θ) और cos^(2n-1θ) d थीटा, कैसा लिख सकते हैं। अब अगर हम इन टू को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं, यहां से उठा के क्या करें, इसको यहां से उठा के कहां ले जाएं, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं, तो ये यहां पे 2 हो जाएगा। देखो तो पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा था क्या, पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा था क्या हमसे, तो सेम तो यही पूछ रहा था ना, तो हमने इसको क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। अभी इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो क्योंकि अभी इसका हम यूज करेंगे। अब सेम, अब हम किसके लिए जा रहे हैं, अब हम दूसरे के, अभी यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में ही ये जो हमारे पास 2m-1 है ना, इसके जगह पे p रख दो, और 2n-1 है ना उसके जगह पे क्या रख दो, q रख दो। ऐसा क्यों करना है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि सेकेंड फॉर्म में हमें p और q के रूप में वैल्यू लाना है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p+1/2, और यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो ये q+1/2 हो जाएगा, ठीक है? अब सीधी सी बात है, इसका वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम क्या पाएंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास वैल्यू है, यहाँ देखो
एम के जगह पे क्या रखना है पी प्लस वन बाई टू और एन के जगह पे क्या रखना है क्यू प्लस वन बाई टू। तो ये हो जाएगा पी प्लस वन बाई टू क्यू प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट पी प्लस सॉरी पी प्लस वन है ये यहाँ पे पी प्लस वन बाई टू प्लस क्यू प्लस वन बाई टू। इसके अलावा राइट हैंड साइड की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है आप देख सकते हो इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है साइन टू द पावर टू एम माइनस वन तो ये टू एम माइनस वन के जगह पे हम क्या रख सकते हैं पी रख सकते हैं और टू एन माइनस वन के जगह पे हम क्या रख सकते हैं क्यू रख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो साइन टू द पावर पी थीटा कोस टू द पावर क्यू थीटा डी थीटा ये हमारे पास वैल्यू हो गया। अब अगर हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये चीज आप देखोगे कि ये हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू साइन टू द पावर पी थीटा कोस टू द पावर क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा पी प्लस वन बाई टू गामा क्यू प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई टू गामा पी प्लस क्यू प्लस टू बाई टू। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यही हमें देखो तो यही हमें सेकेंड क्वेश्चन लाना था क्या आप यहाँ पे देख सकते हो कि यही हमें क्या करना था सेकेंड क्वेश्चन लाना था और ये हमने क्या किया प्रूफ कर दिया। तो जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था उतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। अगर ये दोनों फॉर्मूला हमें अगर याद रहता ये दोनों फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम आगे इजिली इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ से कैसे हमें फॉर्मूला को यूज करना है। मैंने जितना भी बीटा फंक्शन गामा फंक्शन का फॉर्मूला था रिडक्शन फॉर्मूला का जितना भी फॉर्मूला था वो आपको मैंने कवर करा चुका है। अब हमारी बारी है कि हम थोड़ा सा क्या करें अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें। तो आज से आपको मैं क्वेश्चन भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया हूं। आज हमने ये दो क्वेश्चन किए, चलिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे कर लेते हैं सेम उसी तरीके से। बिकॉज देखो मैं स्टार्टिंग में इसलिए आपको बोल रहा था कि पहले हम गामा फंक्शन बीटा फंक्शन रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ लेते हैं क्योंकि देखो तीनों का जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है तीनों के कॉन्सेप्ट को हम एक ही बार यूज कर रहे हैं। अब जब तीनों के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं तो किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो हमें यहाँ पे क्या चल रहा है आइडिया चल रहा है जिसके वजह से हम इसको इजी वे में सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अगर यहीं पे हम देखें इस सॉल्यूशन को तो कैसे हम इसको सॉल्व कर पाते हैं ये चलिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। क्या बोला है इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई साइन एक्स साइन एन पाई। तो हमें ये हमारे पास गिवेन है और ये बोला है कि ये जो हमारे पास गामा एन गामा वन माइनस एन है ये इसके बराबर होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आखिरी यहाँ पे कंडीशन है। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन ये फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है हमारे पास मैंने आपको बताया था। अब एक फॉर्मूला और होता है दो फॉर्मूला हमको यूज करना है। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन डिवाइडेड बाई गामा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जितने भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया है सारे एक पेपर शीट पे लिख के रखो ताकि जब भी मैं फॉर्मूला यूज करूँ तो आपको ये ना लगे कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया हमने तो इस फॉर्मूला को देखा ही नहीं था। आपको ये चीज नहीं लगना चाहिए। तो आप जितने भी फॉर्मूलाज अभी हमारे पास है उतना फॉर्मूला आप क्या करोगे उसको आप लिख के रखोगे राइट। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये आप देख सकते हो ये दो फॉर्मूला हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लो आप इसे फॉर्मूला नंबर वन फॉर्मूला नंबर टू। अब क्या करना है अब दोनों फॉर्मूला का लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं राइट हैंड साइड को भी इक्वल ले सकते हैं। तो चलिए इसको इक्वल लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा गामा एम गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई सॉरी पावर एन प्लस एन डी एक्स। अगर हम एम प्लस एन इज इक्वल टू वन पुट कर देते हैं
क्यों ऐसा पुट कर रहे हैं? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला जो फॉर्म है इसमें तो हमें पावर में m प्लस n है ही नहीं, तो यहाँ से इसको तो हटाना पड़ेगा ना। तो जब हम m प्लस m प्लस n के जगह पे 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, और यहीं से थोड़ा सा आप एक काम करते हैं ना कि m को ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें क्या हो, यहाँ से यूज हो जाए। तो इस m के जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 माइनस n और ये n। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये फॉर्म हमें लाना है। आप मैथ में यही चीज तो होता है, आप बना रहे हो जिस स्टेप को उससे 2 स्टेप आगे आपको सोचना है, और अगर जब 2 स्टेप आगे सोचना है तो उस हिसाब से फिर आपकी क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, है ना। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्या वैल्यू हो गया, γ1, और मैंने आपको बताया है कि γ1 का वैल्यू 1 होता है, ये आपके गुरु जी ने भी स्टार्टिंग में सिखाया था और मैंने भी आपको ये चीज सिखा चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to ∞ x^(n-1)/(1+x) dx। क्या हम इसके जगह पे इतना रख सकते हैं π/sin nπ? तो इसके जगह पे अगर हम रख दे π/sin nπ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, γ(n, γ1-n)। तो यही तो हमें प्रूव करना था और ये हमने क्या किया, प्रूव कर दिया, राइट। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। यहाँ पे आप n छूट गया था, आप n लिख सकते हो। तो यही हमें लाना था और ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। एक बार फिर मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि हमें लाना क्या था, γ(n, γ1-n)(π/sin nπ) ये हमें क्या करना था, लाना था, और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन और रिडक्शन फॉर्मूला तीनों का एक ही बार यूज करके किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से हर एक दिन हम 2-2, 3-3 प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो ही गया है, इसके साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि अब हम भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टेक्निक था वो समझ में आया होगा। आप इसे फिर से जाके एक बार घर में रिवाइज करना, एंड इसके अलावा आप अगर चाहो तो आप बी एस अग्रवाल के बुक को प्रेफर कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।